फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम देखने वाले हैं जेबीटी साइक्लोज सेक्शन। हालांकि मैंने पहले ये वीडियो डाल दी थी, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो आपकी जो पूरी तरह स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी, अगर आपने पहले वाली देख ली होगी तो उस करके अब मैं जल्दी से इसमें बताऊँगा। एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं करेंगे, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन आपकी डाल दी है और अब दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, तो एक बार इसको देख लेंगे। तो पहले का अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ एक्साइटिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो ये असिमिलेशन आपका कहलाएगा। ऑप्शन अगर आपने फर्स्ट किया है तो ये बिल्कुल आपका इसमें सही है। नेक्स्ट आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम, तो आपका ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो ये रहेगा आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो पियाजे के अकॉर्डिंग आपकी चाइल्ड बिटवीन जो आपके 2 से लेकर 7 ईयर की जो आपकी स्टेज है उसको आपके जो क्या कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो ये आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टडीज में कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया था तो बिल्कुल आपका ये सही था। आगे हम देखेंगे क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये किससे रिलेटेड आपकी रहेगी, तो ये रहेगी आपके पास डाइवर्जेंट आपकी इंटेलिजेंस से। अगर आपने लगाया है ऑप्शन सी तो कहीं ना कहीं आपका ये इसमें सही हो जाता है। कंटिन्यू करेंगे, आगे हम देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है इसमें, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो ये किस में आएगा, इज़ द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ऑप्शन अगर आपने इसमें डी लगाया है तो बिल्कुल ये इसमें सही हो जाना था। अकॉर्डिंग टू आपके किसके अकॉर्डिंग कैसा कहा गया है, क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि वी फेस ए स्पेसिफिक साइको सोशल डायलेमा एट द ई स्टेज ऑफ द लाइफ, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन अगर आप इसमें बी देखें तो एरिक्सन के आपके जो है रिलेटेड आपकी ये रही थी इसमें, जो आपकी ईच स्टेज की इसमें जो बात की है, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इसमें सही हो जाना था। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% आपकी ये सही हो, लेकिन ये है कि आप कह सकते हो कि इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपकी सही है। 1 से 2 प्रश्न हो सकता है कि आपकी ऑफिशियल आंसर की हमें देखने को मिल जाए कि उसमें आपकी चेंजेस देखने को मिल सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। हु स्टार्टेड, आपकी जो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वुडवर्क का ही आपकी रहता है एक स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट आपकी देखने को मिली, तो वुडवर्क की थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे इसी चैनल के माध्यम से पहले मैंने कई बार वीडियो में इसको जो है इस प्रश्न को डायरेक्ट डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे साथ पुराने बने हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस इज प्रपोज्ड बाय आपके हॉवर्ड गार्डनर, तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी में जो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं आता, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑप्शन अगर आप सी देखें तो बिल्कुल ये इसमें सही हो जाना था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें देने का आपके पास 9, तो निम्न में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्वायर मोटिव, तो एक्वायर मोटिव इसमें जो कौन सा नहीं होगा, अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही था, तो ऑप्शन डी हंगर, तो ये आपका इसमें बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। आगे हम देखें मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय, तो मॉडलिंग का जो आपके कॉन्सेप्ट है संप्रत्यय जिसको आप कह सकते हो, तो ये किसके द्वारा आपके दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके पास अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखिए तो बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाता है। आगे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, तो लर्निंग को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर या फिर कह लीजिए अधिकम जो कारक इसमें से कौन कौन से रहते हैं, तो अगर आप इसमें सारे ऑप्शन ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हो गया, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट हो गया, इसके अलावा सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट आपके इसमें हो गया, तो ये आपके इसमें सारे रहेंगे जो आपके लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग का जो एक प्राइमरी लॉ जो आपके थॉर्नडाइक द्वारा जो दिए गए हैं, अगर आपका उसमें आपने कॉन्सेप्ट लिखा लॉ ऑफ रेडीनेस, तो बच्चा जो रेडी होना चाहिए, तत्पर जो रहना चाहिए बच्चा, वो किस आधार पर रहना चाहिए, साइकोलॉजी रहना चाहिए, मेंटली रहना चाहिए, फिजिकली रहना चाहिए, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। अबन ऑलवेज थिंक ऑफ द मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन अमन इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन, तो ये क्या आपके शो कर रहा है, तो अमन शो कर रहा है क्रिएटिव थिंकर आपका अमन है, तो अगर आपने ऑप्शन ए इसमें लगाया है क्रिएटिव थिंकर, तो बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाता है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी आपकी कौन से इसमें होगी, अगर आप इसमें ऑप्शन सी देखते हो स्कूल एंड मीडिया,
तो ये इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। स्कूल एंड मीडिया आपकी जो है ये सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी आपकी इसमें रहेगी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। रही बात इसमें और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी आपके जो इसमें सेकेंडरी में आएंगे। फैमिली की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी देखिए, फैमिली एंड मीडिया हो सकता है आपने लगाया हो, तो इसमें जो फैमिली आपकी नहीं होगी, क्योंकि फैमिली तो आपकी प्राइमरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चे के साथ जो है सबसे पहले फैमिली ही आपकी देखने को मिलती है, तो फैमिली जो है आपके सेकेंडरी में मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी स्कूल एंड मीडिया इसमें सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग। तो ये आपका किससे संबंधित रहेगा, इसमें कल्चर की बात की गई, कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंकिंग। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो सी है, लेव वाइगोत्स्की, ये बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। अगर आपने सी लगाया है तो कहीं ना कहीं आपका ये इसमें सही हो जाता है। सिक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, तो ये रहेगा आपके पास सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन अगर आपने इसमें बी लगाया था तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 देख लेते हैं, चिल्ड्रन शुड डिस्कस क्वेश्चन इन द क्लास। तो टू आपके इसमें क्या करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे टू इनक्रोज टू आस्क, यानी कि इनक्रेज करेंगे उसको जो है पूछने के लिए, कि पूछने के लिए प्रेरित हम उसमें कर सकते हैं। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही हो जाना था, अकॉर्डिंग टू आंसर सीरीज बी। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका सही हो जाना था, अकॉर्डिंग टू सीरीज बी। आगे हम देखेंगे द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो जाहिर सी बात है, सोसाइटी के लिए उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, एक समाज में किस तरह से रहा जाएगा, समाजीकरण की उसमें जो है धारणा विकसित की जा रही है, तो सोशलाइजेशन से आपका ये संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ये सही हो जाएगा और मुझे लगता है सभी का ये सही भी होगा। हॉवर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एज पर द हॉवर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो अगर आप इसमें ऑप्शन डी देखिए, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। तो पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाना था, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ये इसमें सही था। 19 देख लेते हैं आपके पास, इसमें रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस आपकी टेस्ट मेजर किया जाता है, तो इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये इसमें सही हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का द्विकार। तो इतनी बार मैंने ये प्रश्न आपको जो है इस चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाया है, नोट्स जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी उसमें भी आपको दिया है, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बताया था, सारे में मैंने ये बताया था। तो ये वाला प्रश्न मुझे नहीं लगता कि किसी का ये गलत होगा, जाहिर सी बात है अगर मेरे साथ हो गया आप तो। स्पीयरमैन की आपकी रही थी टू फैक्टर थ्योरी। आगे हम देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो ये वाला प्रश्न मैंने जो आपकी पहली वीडियो इससे मैंने अपलोड की थी उसमें होमवर्क के प्रश्न के तौर पर मैंने पूछा गया था, तो सेम यहाँ पर भी यही करते हैं। तो होमवर्क का प्रश्न आपका रहेगा, बताइएगा इसमें आपके राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो इसमें जो इंटेलिजेंस की थ्योरी आपकी कौन सी नहीं है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। तो ये अपने आप में एक मॉडल आपका है, तो ये आपकी एक इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है। तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन ऑप्शन अगर आप सी देखिए, प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये आपका इसमें नहीं होगा इंटेलिजेंस की थ्योरी। आगे हम चलेंगे इसमें, गिव इन द मीनिंग टू ए सेंसेशन द बेसिस ऑफ पार्ट पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो आपके पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का जो अर्थ प्रदान करना जो है वो आपकी क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है आपके पास परसेप्शन। जो आपके पूर्व अनुभव होंगे वो आपके बेस होंगे एक्सपीरियंस पे, तो एक्सपीरियंस जो आपके रहेंगे वो एक्सपीरियंस कैसे होंगे, उसको प्रत्यक्ष तौर पर आपने जो अनुभव किया है प्रत्यक्ष तौर पर आप जो है उससे व्याकित हो या फिर कह लीजिए परिचित हो। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो बी है प्रत्यक्षीकरण, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये इसमें सही हो जाता है परसेप्शन। आगे चलेंगे, गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ एज ए वॉल। तो आपके पास इसमें जो है गेस्टाल्ट का जो अर्थ रहेगा मींस रहेगा एज ए वॉल, ऑप्शन ए लगाया है, तो बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द जुंग, अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली टिमिड आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल्स। तो ये आपकी इसमें ऑप्शन अगर फर्स्ट देखिए तो इंट्रोवर्ट, ये आपका इसमें सही हो जाएगा।
आगे चलेंगे आपके पास फिजिकल एंड इमोशन हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट देयर लर्निंग, तो ये आपके किससे संबंधित रहेगा या आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपके पास वही है कि लॉ ऑफ रेडीनेस वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को रेडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उसको मेंटली ज़रूरी है, फिजिकली रहना ज़रूरी है, इमोशनली उसका जो ज़रूरी है, तो ये वही वाली बात है प्राइमरी लॉ की जिसमें बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल ही इसमें सही बैठता है। तो ये क्या है आपके पास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी। तो जाहिर सी बात है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके कौन कौन थे, बहुत बार बताया है थ्योरी वाली क्लास में मैंने बताया था, और बाकी जो है मैंने एक 12 तारीख की शाम को आपके जो है 12 नवंबर को एक वीडियो डाली थी जो जिसमें थ्योरी का कंप्लीट रिविजन करवाया था, उसमें भी हमने बात की गई थी। तो इसमें गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके इसमें कौन है, तो इसमें आपके ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी कोहलर बिल्कुल इसमें ये सही हो जाता है। तो इनसाइड थ्योरी से संबंधित आपके ये थे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, इद इज गाइडेड बाय, तो इद आपका जो है काम करता है किस पे करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। तो ऑप्शन ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है, सिगमंड फ्रायड की ये थ्योरी है इद इगो सुपर इगो वाली, उसमें भी मैंने आपको ये कई बार बताया है इच्छा की पूर्ति के लिए जो आपका सुखवादी जो सिद्धांत आपका पेश करता है वो हमेशा आपके इद ही करेगा। तो अगर हम देख लेते हैं 29, व्हाट इज़ द आईक्यू ऑफ द 10 ईयर ओल्ड आपके जो है चाइल्ड हुज मेंटल एज इज़ आपके 12। तो एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, एम ए यानी कि मेंटल एज, तो मेंटल एज आपकी 12 है, क्रोनिकल एज आपकी 10 है, इसको आपने इस तरह से डिवाइड कर देना था, और जब आप डिवाइड कर देते हैं 12 को आपने मल्टीप्लाई करना था 10 के साथ, ऑप्शन आपके पास आ जाना था 120। अगर आपने 120 किया है तो बिल्कुल आपका सही है। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ हायर देन देयर क्रोनिकल एज, तो एक जो है क्रोनिकल एज और मेंटल एज अगर आपकी सेम रहे तो इसका मतलब है कि नॉर्मल आईक्यू है, अगर आपकी मेंटल एज ज़्यादा रहे क्रोनिकल एज से इसका मतलब है कि बच्चा आपके जो है प्रतिभाशाली बालक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन आपका रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही हो जाना था। तो ये था आपके पास साइकोलॉजी का सेक्शन जो जीबीटी टेट आपका आज हुआ है। उम्मीद करते हैं आपके जो आपकी एग्जाम अच्छे हुए होंगे, आने वाले जो है रिजल्ट के लिए आपको दे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो आप मेरे साथ ऑफिशियल आंसर की के लिए बने रह सकते हैं, रिजल्ट की आपकी जो नोटिफिकेशन रहती है अपडेट रहता है, 2022 में जो आपकी टेट होने वाला है उसकी तैयारी के लिए भी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, साइकोलॉजी का ऑलरेडी फोल्डर आपका जो है अलग से बना है, आप उसमें जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आपको जो है मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।